And there's one thing that I need from you. Can you come? 그리 아다 아다 그 머리를 떠올려 와파 와파 कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति, आश्चर्यजनक वास्तुकला, हलचल भरी सड़कों और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों के साथ विरोधाभासों का शहर है। यहां कोलकाता के 10 दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बिल ऑल कर दे। तो अब बात करते हैं पहले नंबर की। नंबर एक, विक्टोरिया मेमोरियल। महारानी विक्टोरिया, भारत की साम्राज्य की स्मृति में निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल एक शानदार सफेद संगमरमर की संरचना है जो कोलकाता का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क बन गया है। विलियम एमर्सन द्वारा डिजाइन किया गया ये भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। स्मारक के अंदर संग्रहालय में ब्रिटिश और भारतीय कलाकृतियों, चित्रों और तस्वीरों का एक प्रभावशाली संग्रह है। नंबर दो, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध निलंबन पुल है जो हुगली नदी तक फैला है और कोलकाता शहर को अपने जुड़वां शहर हावड़ा से जोड़ता है। पुल इंजीनियरिंग की एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है और इसे दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक माना जाता है। ये कोलकाता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और रात में रोशन होने पर विशेष रूप से सुंदर होता है। नंबर तीन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी काली को समर्पित है। ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और कोलकाता में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर परिसर अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और सुंदर बगीचों के लिए जाना जाता है। ये वह स्थान भी है जहाँ महान संत रामकृष्ण परमहंस ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। नंबर चार, सेंट पॉल कैथेड्रल। सेंट पॉल कैथेड्रल एक शानदार गोथिक शैली का चर्च है जिसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कोलकाता के मध्य में स्थित है और भारत के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। गिरजाघर अपनी आश्चर्यजनक सना हुआ ग्लास खिड़कियों, सुंदर मोजाइक और प्रभावशाली घंटी टॉवर के लिए जाना जाता है। नंबर पाँच, भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। यह 1814 में स्थापित किया गया था और इसमें भारत और अन्य देशों की कलाकृतियों, चित्रों और मूर्तियों का एक प्रभावशाली संग्रह है। संग्रहालय को पुरातत्व, नृविज्ञान, प्राणीशास्त्र और भूविज्ञान सहित विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर छः, पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे लोकप्रिय खरीदारी और मनोरंजन जिलों में से एक है। ये रेस्तरां, कैफे, बार और दुकानों से सुसज्जित है और विशेष रूप से रात में जीवंत है। सड़क कई ऐतिहासिक इमारतों का भी घर है जिसमें प्रतिष्ठित पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान भी शामिल है। नंबर सात, मार्बल पैलेस। मार्बल पैलेस एक आश्चर्यजनक हवेली है जिसे 19वीं शताब्दी में एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था। ये कोलकाता के मध्य में स्थित है और अपने खूबसूरत संगमरमर के स्तंभों, जटिल नक्काशी और शानदार बगीचों के लिए जाना जाता है। महल अब जनता के लिए खुला है और इसमें कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं का एक प्रभावशाली संग्रह है। नंबर आठ, कालीघाट मंदिर। कालीघाट मंदिर कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये देवी काली को समर्पित है और भारत में 51 शक्तिपीठों, पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, सुंदर उद्यानों और जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है। नंबर नौ, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर एक सुंदर हिंदू मंदिर है जो कोलकाता के मध्य में स्थित है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, सुंदर नक्काशी और प्रभावशाली गुंबद के लिए जाना जाता है। मंदिर में एक संग्रहालय भी है जो बिरला परिवार के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। नंबर 10, साइंस सिटी। साइंस सिटी एक संवादात्मक विज्ञान संग्रहालय और मनोरंजन पार्क है जो कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है और अपने प्रभावशाली प्रदर्शनियों, संवादात्मक प्रदर्शनों और तारामंडल के लिए जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।